आपके सब जो हमारे कोई सूद लेने वाला नहीं है, सुनने रहा बहरा हो गया कोई, उन्होंने वहीं जलसा मार लेंगे हमने। आपको बता दें कि जूडो व्यासी बांध परियोजना का कार्य 99% पूरा होने के बाद भी विस्थापित लोहारी गांव के लोगों को उनका हक नहीं मिला। जूडो व्यासी परियोजना का कार्य चलते लोहारी गांव की 16 हेक्टेयर जमीन डूब क्षेत्र घोषित कर दी गई। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया था कि ग्रामीणों को सुनियोजित ढंग से विस्थापित किया जाएगा, जिसका प्रस्ताव 2017 को कैबिनेट में पास हो चुका था, लेकिन भाजपा सरकार ने ना जाने क्यों ये प्रस्ताव निरस्त कर दिया। ना जाने क्यों लोहारी ग्रामवासियों को उनके हक उनकी जमीन से वंचित रखना चाहती है। लगभग 15 दिनों से सभी ग्रामीण लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आज यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना प्रदर्शन कर 2 घंटे का चक्का जाम लगाया गया। ग्रामीणों का कहना है कि चक्का जाम लगाने का उद्देश्य आम जन को परेशान करना नहीं था, बल्कि इस निकम्मी सुई हुई सरकार को जगाने के लिए आज चक्का जाम लगाया गया है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मुन्ना सिंह चौहान को कई बार अवगत कराया गया, विधायक साहब आते हैं और झूठा आश्वासन देकर चले जाते हैं। लगता है विधायक साहब मामले को संज्ञान में लेना ही नहीं चाहते। हमारी मांगों को न प्रदेश सरकार संज्ञान में ले रही है, न SDM विकास नगर कोई कार्यवाही कर रहे हैं। यहां तक कि हमारे बीच से निर्वाचित हमारे क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान हमारी समस्याओं को सुनने तक राजी नहीं है। ऐसे में ग्रामीण करे तो करे क्या, ग्रामीणों ने उनके जीवन यापन का एकमात्र सहारा खेतीबाड़ी करना है, जिसकी जमीन व्यासी बांध परियोजना ने निगल ली है। अब सत्ताधारी सरकार ने ग्रामीणों से उनकी खेतीबाड़ी करने का हक भी उनसे छीन लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि राज्य सरकार मांगों को पूरा नहीं करती है तो समस्त ग्रामवासी जल समाधि ले लेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। आज 17वां दिन है और जो हम इतने दिन से धरना पर बैठे हैं, ये आज सड़क में इसलिए आना पड़ा, हमारी कोई सूद लेने वाला नहीं। यहाँ के नेता प्रतिनिधि कोई भी जो है आने के लिए तैयार नहीं, हमें मजबूरन आज ये कदम उठाना पड़ा, इसलिए हम यहाँ आके बैठे हैं। यहाँ पर डैम पूरा हो गया है, डैम चालू के कदार पर है, लेकिन जमीन की मांग करी थी सरकार ने, कैबिनेट में पास होने की वो थी, हमारी जो कैबिनेट की मांग है वो हमारी मांग है, इनकी मांग है, हमें जमीन चाहिए। हमारे गांव जा रहा, घर जा रहा, खेत कल्याण जा रहे, हमारी सब रिश्ते नातेदार इधर से, हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? हमारे लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई हमारी सूद नहीं ले रहा। कहीं सालों से जो है ये कहा कि जी आप लोहारी का एक गांव मात्र विस्थापन पे हैं, जो हम जनजाति से जुड़े हुए हैं, लेकिन कोई भी जो है सरकार वादे करते हैं, आज है कल है, हम कहीं बार गए सब लोगों से मिले, लेकिन किसी ने आश्वासन नहीं दिया, हाँ कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? ये नौमत क्यों आई हमें यहाँ आने की? हम सरकार से कहना चाहते हैं ये नौमत क्यों आई? मजबूरन ऐसे तड़प धूप धूप में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो आज ऐसे के नीचे बैठे हैं लोग बाग। हम यहाँ आ रखे काम धाम किसी का छोड़ के, किसी का गाय पशु छोड़ के, हमारे पशु सुबह से शाम तक अंदर बंधे हुए हैं। हम कल परसों पशु भी यहाँ लाएंगे, सड़क में लाएंगे, हमने मानने के क्या मर गए सबके सब, जो हमारे कोई सूद लेने वाला नहीं है, सुनने रहा बहरा हो गया कोई, क्या हो गया ये सरकार की आपकी बात को नहीं। अगला कदम पुल बना रखा उन्होंने, वहीं जल समाध लेंगे। हमने ये वादा करा था कि हम ऊपर तब आएंगे जब ये सरकार हमारी बात मानेगी, नहीं तो हम वहीं जाएंगे। बारिश अभी देखा आपने उधर कितनी नदियां भर गई उफान पे, कल परसों यदि नदी आएगी हम यहीं डूब के मर जाएंगे। जो सरकार को करना हो वो करते रहेंगे, हमने क्या करना रहेगा? हमारी जमीन नहीं रहेगी, हमें कहीं हम पशु नहीं पाल सकेंगे, हम घर नहीं बना सकेंगे, हमने क्या करना रहेगा? सबसे पहले हमारी मांग जमीन के बदले जमीन है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया था, जिसमें हमें प्रस्ताव के माध्यम से पता लगा, जो कैबिनेट में फैसला हुआ था, इससे हमें राजकीय रेशम फार्म जीवनगढ़ अंबाड़ी की जमीन देने का प्रस्ताव पास हुआ था, जो वर्तमान सरकार ने स्थगित कर दिया था। और हमारी मांग यही है कि सरकार और शासन हमारे विस्थापन की समुचित व्यवस्था कर दें, हमें जमीन के बदले जमीन दे दें। जिस दिन हमें जमीन के बदले जमीन दे देंगे, हमारे मांगें पूरी हो जाएगी, हम यहाँ से अपने धरना स्थल से उठ जाएंगे। हमारी सरकार से यही मांग है, हमारे जनप्रतिनिधियों से यही मांग है कि आप हमारे शासन में और सरकार में हमारी बात को पहुँचाएँ और हमारे समस्याओं का निराकरण करें। और हमारे बीच में हमारे गाँव से जो हमारी बेटियाँ ब्याही गई है दूसरे स्थानों पर, वो भी हमें इस धरने पर स्थल पर पहुंचकर हमारा समर्थन कर रही है, सहयोग कर रहे हैं, ताकि हमारे मायके के लोगों का, हमारे परिवारों का समुचित विस्थापन हो सके और सही जगह बस सके। सरकार का दायित्व होता है, यदि किसी को उजाड़ते हैं तो बसाने का दायित्व भी सरकार का होता है कि उनका समुचित विस्थापन करें। शासन प्रशासन जाने की भी हमारे इसको पूरा क्यों नहीं कर पा रहा है,
हमने बहुत पत्राचार कर लिया आश्वासन के साथ कि जो ब्यासी डैम है ये 120 मेगावाट है और ये इसका करीब 99% काम पूरा हो चुका है और बहुत हमने पत्राचार कर लिया, पिछली सरकार के साथ भी कर लिया, इस सरकार के साथ भी कर लिया है। हमारे यहाँ के जो विकास नगर के विधायक हैं माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी, वो 18 में यहाँ आए थे, उनके साथ भी वार्ता हुई थी DM को SDM विकास नगर और SDM कालसी वो भी आए थे और जल निगम के जो MD है वो लोग भी आए थे, सभी लोग यहाँ आए थे, उनसे हमारी वार्ता हुई। उन्होंने कहा हम 15 दिन के अंदर अंदर आपकी कार्रवाई को पूरा करेंगे, यानी कब कहा 2018 में, 18 भी चला गया, 19 भी चला गया, 20 भी चला गया, 21वीं समाप्ति की ओर है और डैम का काम 99% पूरा हो गया जो है, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं सोचा गया। और पिछली गवर्नमेंट में भी वही हो गया, कांग्रेस की गवर्नमेंट भी वही हो गया, उन्होंने भी क्या किया, कैबिनेट का फैसले को कैबिनेट में प्रस्ताव लेके आए, प्रस्ताव को पास कर दिया गया है, लेकिन वो बिल्कुल एज इट है, जैसा था वैसे की वैसी, जियो नहीं आया उसका जो है। भाई उनको उस प्रस्ताव को क्या करना है, हमको उसको चाटना है उस प्रस्ताव को, जब तक उस पर हमने जमा नहीं पहनाया जाएगा तो उस प्रस्ताव का क्या करना है। देखो हमारे ये बच्चे हैं बैठे हैं, महिलाएं बैठी है यहाँ पर, इतने धूप के, इतनी धूप हो रही है, आप भी देख रहे हैं करके, क्या हमें शौक है बैठने का यहाँ पर? भाई हमारा ये है जो कैबिनेट का जो प्रस्ताव आया उसको बहाल किया जाए, उस प्रस्ताव के अनुसार जो भी उस प्रस्ताव में लिखा गया है उस प्रस्ताव के अनुसार कार्रवाई कर दें, उठ जाएंगे, खत्म कर देगा। प्रशासन को कई बार लिख दिया गया है, अभी 9 तारीख को 9 अप्रैल को मीटिंग भी हुई थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में और उसमें ये डिसाइड हुआ था कि गांव वालों की, DM साहब की और जल विद्युत निगम का जो MD है उन ये तीनों लोगों की कमेटी बनेगी, उस कमेटी में जो भी फैसला होगा तीनों की सहमति से जो भी फैसला होगा DM साहब सरकार को पेश करेंगे। लेकिन अप्रैल भी चला गया, मई भी चला गया, जून भी चला गया है, जुलाई भी आने वाला है, अभी तक DM साहब